कल जो वीडियो थी उसमें हमने आपको बताया था कि रियल नंबर्स के अंदर जो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा है और यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम है इसके ऊपर बेस्ड चैप्टर 1 रियल नंबर्स के एनसीईआरटी के एग्जांपल्स और एक्सरसाइज 1.1 के सॉल्यूशंस। अब जब एक्सरसाइज 1.1 जो कि आपका यूक्लिड्स डिवीजन लेमा एंड एल्गोरिथम पे बेस्ड है वो जब खत्म हो जाता है तो हमारा एनसीईआरटी की जो नेक्स्ट एक्सरसाइज जिस टॉपिक पे बेस्ड है दैट इज फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। तो पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक है ये क्या होता है। देखिए आज का सब टॉपिक है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या स्टेट करती है, क्या मतलब होता है, इसका क्या मीनिंग है। इसका मीनिंग पहले मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं। जैसे 12, अगर मैं 12 के फैक्टर करता हूं तो ये आएगा 2 × 2 × 3। सपोज एक बच्चे ने फैक्टर किए और 12 का फैक्टर ये लिख दिया, इसी 12 के फैक्टर दूसरा बच्चा लिखता है 2 × 3 × 2, तीसरा बच्चा इसी का लिखता है 3 × 2 × 2। हमें इसके अंदर जो इसके प्राइम फैक्टर्स हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट प्राइम फैक्टर्स, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक जो है जिसके बेस्ड क्वेश्चंस और एग्जांपल्स आज मैं एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 1.2 से पहले के कराने जा रहा हूं, वो आज के हमारे सब टॉपिक फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक के ऊपर बेस्ड है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक के ऊपर बेस्ड है ये एक्सरसाइज सेकंड। आज ये मेरा तीसरा वीडियो है जो चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स पे बेस्ड है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इस कोरोना के टफ टाइम में कुछ थोड़ी बहुत जानकारी जहां से आपको मिलती है वहां से लें और बैठ के घर पे अपना मेहनत करें, अपने दिमाग को पॉजिटिवनेस पॉजिटिविटी के अंदर एंगेज रखें। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या है, जैसे मैंने आपको बताया कि 12 के फैक्टर ये भी हो सकते हैं, ये भी हो सकते हैं, ये भी हो सकते हैं। इन सब के अंदर जो प्राइम नंबर्स का ऑर्डर है वो बदल रहा है, बाकी प्राइम नंबर सेम है। ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। इसी तरह से फंडामेंटल ऑफ थ्योरम अरिथमेटिक सेज दैट प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ एनी कंपोजिट नंबर, प्राइम फैक्टर्स ऑफ एनी कंपोजिट नंबर। आपको पता है कंपोजिट नंबर एक ऐसा नंबर जिसके फैक्टर्स 2 या 2 से ज्यादा हो अदर देन 1 एंड इटसेल्फ। जैसे 12 है, 12 को आप 1 से डिवाइड कर सकते हो और 12 को आप 12 से डिवाइड कर सकते हो। तो मैंने मना कर दिया था, एक्सक्लूड कर दिया है कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक समझने के लिए या एक प्राइम और कंपोजिट का डिफरेंस समझने के लिए, जैसे 7 है, 7 इज डिविजिबल बाई 1 एंड 7 इज डिविजिबल बाई 7, 7 दोनों से डिवाइड होता है, 1 से भी डिवाइड हो रहा है और 7 से भी डिवाइड हो रहा है। तो जब 7 1 से भी हो रहा है, 7 7 से भी हो रहा है, तो मैंने ये कहा था कि अगर किसी नंबर को हम 1 और इटसेल्फ के अलावा किसी और नंबर से डिवाइड कर सकते हो तो ऐसे नंबर को कंपोजिट कहते हैं, और ऐसा नंबर जो 1 और इटसेल्फ के अलावा किसी से डिवाइड ना हो ऐसे नंबर को हम प्राइम नंबर कहते हैं। सवाल आपके सामने आता है कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का मतलब स्टेटमेंट क्या है। इसका स्टेटमेंट है कि प्राइम फैक्टर्स ऑफ एनी कंपोजिट नंबर आर ऑलवेज यूनिक, प्राइम फैक्टर्स ऑफ एनी कंपोजिट नंबर आर ऑलवेज यूनिक। यूनिक ही तो है, यहां पे देखिए क्या आ रहे हैं इसके प्राइम फैक्टर्स में, 2 2 3 2 3 2, यानी 2 बार 2 1 बार 3, 3 2 2, तो यानी कि उसके अंदर फैक्टर कौन कर रहा है कंपोजिट के, कब कर रहा है, किस टाइम कर रहा है, उस पर डिपेंड नहीं करता। प्राइम फैक्टर्स जो होंगे उनके अंदर यूनिकनेस होगी कि प्राइम फैक्टर वही होंगे, उनका ऑर्डर अलग हो सकता है, ये आपकी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक कहती है।
तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक स्टेट्स दैट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ एनी कंपोजिट नंबर आर ऑलवेज यूनिक, देयर ऑर्डर मे बी डिफरेंट डिस्टिंक्ट, जैसा आपको इस एग्जाम्पल के केस में दिख रहा है। तो पहले तो मैंने आपको यह बता दिया कि प्राइम जो हमारा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक है, जिस सब टॉपिक एक्सरसाइज 1.2 की आज जानकारी देने की जो हम कोशिश कर रहे हैं आपको, वो हमारा कैसे आगे चल सकता है। तो अब इसके अंदर हमें आपके लिए लेता हूं पेज नंबर नाइन ऑफ एनसीईआरटी, क्योंकि कल मैंने एक्सरसाइज 1.1 को खत्म किया था और एग्जाम्पल 4 तक खत्म कर दिया था, आज है एग्जाम्पल नंबर 5। इसको समझिए, ये बिल्कुल एनसीईआरटी के एग्जाम्पल नंबर 5 है और पेज नंबर 9 उसकी बॉटम में ये एग्जाम्पल है। आप बुक खोल के देखेंगे एनसीईआरटी अपनी, तो आपको ये एग्जाम्पल मिल जाएगा। और ये एग्जाम्पल ये कहता है, चेक करिए कि 4 की पावर n, इसको हम एक्सपेंड करें 4 की पावर n को, चेक वेदर 4 की पावर n कैन एंड विद डिजिट 0। आप बताइए क्या 4 की पावर n को हम अगर कोशिश करें, क्या 4 की पावर n का एक्सपेंशन 0 पे एंड हो सकता है या नहीं, बस ये सवाल है। कैन 4 की पावर n एंड विद द डिजिट 0 और 9। आप मुझे सबसे पहला एक सवाल आता है कि एक ऐसा नंबर बताओ जिसके लास्ट में 0 आता हो। टेल मी अ स्मॉलेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर विच एंड्स विद डिजिट 0। उसका जवाब आता है 10। इसके फैक्टर करता हूं, इसमें क्या आ गया 2 × 5 प्राइम फैक्टर्स। मे आई आस्क यू फॉर अनदर नंबर हुज लास्ट डिजिट इज 0, इट इज 20। इसके फैक्टर्स आते हैं 2 × 2 × 5। इफ आई प्रोसीड 30, इसके आएंगे 2 × 3 = 35 = 30। अगर मैं 40 लेता हूं, उसमें आएगा 2 × 2 × 2, 2 × 2 = 4 × 8, 5 × 40, 2 × 2 = 4, 2 × 8 = 40। तो यहां से कुछ ऑब्जर्व कर रहे हैं हम कि अगर जब कोई नंबर 0 पे एंड हो रहा है, इन चारों केसों में देखो आप, तो जब ये नंबर 0 पे एंड होता है तो उसके प्राइम फैक्टर में 1, 2 और 1, 5 एटलीस्ट जरूर है। 10 में देखो 1, 2 और 1, 5 है, 20 में देखो 2, 2 और 1, 5 है, 30 में देखो 1, 2 और 5 है, 40 में देखिए 40 में 2 और 5, ये 3 है और ये 1 है। अगर मैं 100 की बात करता हूं, यू विल से 2 × 2 और 5 × 5, 2 बार 2 और 2 बार 5। तो एक कंक्लूजन आ गया कि अगर किसी भी नेचुरल नंबर का लास्ट डिजिट 0 है तो उसके प्राइम फैक्टर्स के अंदर कम से कम 1, 2 और 1, 5 जरूर होना चाहिए। ना तो खाली 2, ना खाली 5। इट मींस यू हैव टू रिमेंबर दैट अ नंबर कैन एंड विद डिजिट 0 ओनली इफ द प्राइम फैक्टर्स हैज एटलीस्ट 1, 2 और 1, 5। क्योंकि इस सवाल के अंदर ये जरूरी था कि जो 4 की पावर n है ये 0 से एंड हो सकता है या नहीं। देखिए 4 की पावर n को आप लिख सकते हो 2 × 2 to the power n। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 … n times 2 × 2, ये तो हुआ इसका एक्सपेंशन। तो 4 की पावर n का जो एक्सपेंशन है, द एक्सपेंशन ऑफ 4 to the power n हैज ओनली ऑल 2s, देयर इज नो 5, एज द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 4 की पावर n हैज ओनली 2s, इट डज नॉट हैज एनी 5। सो द एक्सपेंशन ऑफ 4 की पावर n कैन नेवर एंड विद डिजिट 0, बिकॉज टू एंड अ नंबर विद डिजिट 0 एटलीस्ट 1, 2 और 1, 5
or must. So what you will say, this implies prime factors of 4 to the power n does not has any 5. So what you can say, it will not end with digit 0. तो ये आपका पहला एग्जाम्पल फंडामेंटल थ्योरम से मिलता हुआ, एग्जाम्पल नंबर 5 था, पेज नंबर 9 पे था, एनसीईआरटी के बॉटम में था, और ये क्या क्यों कैसे था ये मैंने आपको बताया है. अब इसके बाद में आगे देखता हूं आपकी बुक में क्या दे रखा है, क्या पूछना चाह रहे हैं, क्या कह रहे हैं. अगला सवाल है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ, एग्जाम्पल नंबर 6, और ये मेरे सामने है पेज नंबर 10. फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 6 एंड 20. एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 6 एंड 20 यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. प्राइम फैक्टराइजेशन से इसका एलसीएम निकालना है और प्राइम फैक्टराइजेशन से ही इसका एचसीएफ निकालना है. प्राइम फैक्टर बहुत बेसिक चीज है. 6 वी कैन राइट 2 इंटू 3, 20 वी कैन राइट 2 इंटू 2 इंटू 5. ये हमारे प्राइम फैक्टर्स हो गए 6 का और 20 का. 6 का हो गया 2 इंटू 3 और 20 का हो गया 2 इंटू 2 इंटू 5. वी वॉन्ट टू फाइंड फर्स्ट एलसीएम. एलसीएम बहुत बेसिक से आप समझते आ रहे हो कि पहले वो नंबर्स ले लो जो कॉमन है. आपको दिख रहा है इस दोनों के अंदर क्या कॉमन है, 2. अब कोई और, यहां 3 है यहां नहीं है, यहां दोबारा 2 है यहां नहीं है, यहां 5 है यहां 5 नहीं है. इसका मतलब ये 3, ये 2, ये 5. देखो जी, 3 2 या 6, 12, 5, क्या मिल गया आपको, ये 60. द एलसीएम ऑफ 6 एंड 20 इज 60. वेरीफाई करोगे ये सही है गलत है. देखो आपको 60 आपने एलसीएम बताया है 6 और 20 का, तो 60 को आप 6 से डिवाइड करो तो क्या आंसर आ गया, 10. और 60 को आप 20 से डिवाइड करो तो क्या आंसर आ गया, 3. ये 10 और ये 3, इन दोनों में कुछ भी कॉमन है नहीं, इनके प्राइम फैक्टर्स में कुछ भी कॉमन नहीं है. इसका मतलब हमारा आंसर सही है. So LCM of 6 and 20 comes out to be 60. Number 1. Coming to HCF. HCF is the highest common factor. Highest, maximum common क्या है इन दोनों के अंदर, 2. तो HCF is 2 and LCM is 60. Property है एक, आप सब जानते हो कि अगर आपने दो numbers लिए, उनका एलसीएम भी निकाला और उनका एचसीएफ भी निकाला, तो दो नंबर्स के लिए एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट उन दोनों नंबरों के जिनका ये एलसीएम और एचसीएफ हैं के प्रोडक्ट्स के बराबर होता है. तो यहां पे एक नंबर है 6 और दूसरा नंबर है 20 जिनका एलसीएम और एचसीएफ निकाल रहे हैं, तो ये प्रोडक्ट आ गया हमारा क्या, 120. इसका एलसीएम क्या आया था, 60, और एचसीएफ क्या आया है, 2. इनका प्रोडक्ट क्या हो गया, 120, दोनों बराबर. तो ये प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ. दिस इज ट्रू फॉर टू नंबर्स, मैंने लिखा है ना, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ. अब यहां पर एक सबसे बड़ा सवाल आके खड़ा होता है कि इस फॉर्मूले का क्या यूज है. देखो, अगर आपको एलसीएम दे रखा है, आपको एचसीएफ दे रखा है और आपको फर्स्ट नंबर दे रखा है, तो आप सेकंड नंबर निकाल सकते हैं. कैसे, सेकंड नंबर विल बी इक्वल टू एलसीएम इनटू एचसीएफ अपॉन फर्स्ट नंबर. आपको अगर सेकंड नंबर दे रखा है, एलसीएम दे रखा है, एचसीएफ दे रखा है, फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू एलसीएम इनटू एचसीएफ अपॉन सेकंड नंबर. आपको पहला नंबर दे रखा है, दूसरा दे रखा है, एलसीएम दे रखा है और एचसीएफ चाहिए, तो एचसीएफ होगा फर्स्ट इंटू सेकेंड अपॉन एलसीएम. इसी तरह से 4 में से अगर 3 चीजें दे रखी हैं, तो आप 3 को यूज करके चौथा कंपोनेंट
फाइंड कर सकते हैं। एक और बात बताऊं, जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक है, जो प्राइम फैक्टराइजेशन का मेथड है, इससे हम एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकाल सकते हैं, लेकिन जो यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम है उससे हम सिर्फ और सिर्फ क्या निकाल सकते हैं, ओनली एंड ओनली एचसीएफ। तो एचसीएफ के दो रास्ते हैं, या तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, और या फिर आपका यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। जनरली आप लोगों को यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम तभी लगाना चाहिए मेरी ओपिनियन में जब स्पेसिफाई किया हो, अदरवाइज जो प्राइम फैक्टराइजेशन का मेथड है, जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक है, इट सीम्स मी क्वाइट इजी टू अप्लाई। चॉइस इज योर्स, व्हाटएवर यू विश टू। तो ये आपका एग्जांपल 6 पेज नंबर 10 से क्लियर हुआ। नाउ आई एम चेकिंग व्हाट इज द नेक्स्ट, लेट अस सी। अगला है आपका एग्जांपल नंबर 7, एग्जांपल 7, और इट इज अगेन ऑन सेम पेज नंबर 10। और ये मैं आपको एग्जांपल बता देता हूं क्या है आपका ये एग्जांपल नंबर 7। फाइंड एचसीएफ ऑफ 96, एक है आपका 96 एंड अनदर इज 404। इनका हमें एचसीएफ निकालना है यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन एंड बाद में इसका एलसीएम भी निकालना है। तो ये जो आपका 96 है, पहले आप 96 के प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए। इट कम्स टू हाउ मेनी टाइम्स, 5 और एक बार 3, 2 × 4 × 8 × 16 × 32 × 3, 32 × 96। और इफ यू कम फॉर 404, तो आई थिंक इट इज 2 × 2, तो 4 हो गया, 4 से डिवाइड करेंगे तो 101 आएगा, तो ये आ जाएगा × 101। ये इसके प्राइम फैक्टर्स हो गए। अगर आप एचसीएफ की बात करते हैं तो आप ये सोचिएगा कि एचसीएफ, एक बार 2 कॉमन है दोनों में, दोबारा से 2 कॉमन है दोनों में, तो ये हो गया 2 × 2। आगे ये 2 यहां नहीं है, ये यहां नहीं है, ये यहां पे नहीं है, ये 3 नहीं है, यहां 101 है, ये नहीं है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बिकम 4। कम टू एलसीएम, एलसीएम क्या होता है, पहले कॉमन्स ले लो, भाई ये रहा कॉमन 2 × 2। अब ले लो आप नॉन कॉमन, वो हो गया हमारा 2 × 2 × 2 × 3 × 101। इसका जो प्रोडक्ट है इट इज 9696। तो ये हमारा एलसीएम हो गया, नंबर है आपके 96 और 404, एलसीएम आ रहा है 9696 और एचसीएफ है 4। आप वेरीफाई भी कर सकते हैं, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। वी आर कमिंग टू फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द नेक्स्ट एग्जाम्पल on same page number 10, on page number 10 this is the example number 8। ये कहता है find the HCF and LCM of 6, 72 and 120 का LCM भी निकालो, HCF भी निकालो, और prime factorization method से simple है, 6 को 2 × 3, 72 को आप लिख सकते हो 2 × 2, 1, 2, 3, 3, 3, और 120 को आप लिख रहे हैं यहां पे, आई कैन टेक द हेल्प, 2 × 2 × 2 × 3 × 5। अब हमें 3 नंबर्स का क्या चाहिए जी, एचसीएफ। तो एचसीएफ कॉमन, एक बार दो कॉमन है, 3 यहां भी है, 3 यहां भी है, 3 यहां भी है, एक बार 3, बाकी कोई कॉमन हो ही नहीं सकता, क्या गया यहां पे एचसीएफ 6। कम टू एलसीएम, इफ वी कम टू फाइंड द एलसीएम, एलसीएम में क्या है, पहले कॉमन, कॉमन 1, 2 आ गया, फिर 1 हमारा 3 कॉमन आ गया, उसके बाद सारे नॉन कॉमन, ये रहा × 2, ये रहा × 2, ये रहा 3, ये रहा 2, क्योंकि इसमें 2 एक बार फिर से कॉमन है तो ये आ चुका है, एक बार 2 फिर से कॉमन है तो वो भी आ चुका है, तो नहीं लिखेंगे। अब रह गया हमारे पास में 3, एक बार आ गया इन दोनों का, फिर एक बार 3 और लेंगे
और यहां से आ जाएगा हमारा 5। तो हमारे पास 3 एक बार ओवरऑल था, एक बार बाहर, तो ये एक्स्ट्रा हो गया, इसको हटा देते हैं क्योंकि एक में पहले ले चुका हूं। इन सब का जो प्रोडक्ट है दैट विल बी द एलसीएम एंड इट इज 360। देख लेते हैं कोई गलती तो नहीं हुई। आप ले लो सीधा 5 + 10 तो ये हो गया 3 × 9 = 36 × 10 = 360। इट्स राइट। तो दिस वे वी हैव डन योर दिस थिंग एग्जाम्पल नंबर 8। अब इसके बाद आता है हमारा, इस पर बेस्ड हमारी जो एक्सरसाइज है उस एक्सरसाइज के क्वेश्चन के सोल्यूशन। आई एम गोइंग टू टेक द सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम्स ऑफ एक्सरसाइज 1.2। देखिए, इट इज माय ऑल दिस थिंग, आई हैव माय मोबाइल एंड आई हैव नो प्रोफेशनल, तो जो जैसे मेरे से हो पा रहा है क्वालिटी एंड ऑल दैट, के जो प्रोफेशनल लोग हैं ग्रीन बोर्ड बना रहे हैं कुछ डायनामिसिटी के साथ कर रहे हैं, वो सब कुछ नहीं है, बट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू एज अ लेमैन, एज अ कोर टीचर, एज अ एक्सपीरियंस टीचर। मैं बिल्कुल आपको ये मान के चलता हूँ कि अपने उन बच्चों को पढ़ा रहा हूँ जिनको बहुत ज़्यादा मैथमेटिक्स का बहुत ज़्यादा हाई फाई नहीं है और वो कुछ पढ़ना चाहते हैं, तो उनके लिए ये चीज़ है। और उसमें आप देखिएगा, एक्सप्रेस ईच नंबर एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स 140। यानी कि क्वेश्चन नंबर जो 1 है उसके अंदर 3 पार्ट है, 140 के फैक्टर्स करने हैं, 156 के, 3825 के, 7429 के। कोई एक पार्ट करके दिखा देते हैं, फैक्टर्स आप आराम से कर सकते हो। 140 वही आपका नॉर्मल मेथड, आप ऐसे कर सकते हैं, 2 से डिवाइड किया 140 को 70, फिर 2 से किया 35, फिर 5 से किया 7, 7 से किया 1, तो ये हमारा आ गया 140 = 2 × 2 × 5 × 7, आपका क्वेश्चन खत्म। तो दिस इसी तरह से 156, 3825, 7429 इनके प्राइम फैक्टर्स आप कर सकते हैं। मैं सिर्फ एक पार्ट एक्सप्लेन कर रहा हूं, बाकी इसके रिमेनिंग 3 पार्ट्स यू कैन ट्राई। देन फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉर क्वेश्चन नंबर 2। कौन कौन से पेयर के निकालने हैं, 1 इज द 26 एंड 91, एक इसका 510 एंड 92, 336 एंड 54। ये आपको इनके क्या निकालना है, इनका एचसीएफ। ये सेकंड क्वेश्चन है एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.2 का क्लास 10। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, 26 के फैक्टर 2 × 30 और 91 के फैक्टर्स 7 × 30। एचसीएफ की बात हो रही है जी, कॉमन नंबर क्या है इन दोनों के प्राइम फैक्टर्स में, 13, एचसीएफ 13 हो गया। यही अगर बाय द वे मैं बता रहा हूं एलसीएम मांगा गया होता तो आप क्या लिखते हैं कि जो पहले कॉमन वो और अब अनकॉमन नंबर्स 2 × 7, तो इसका प्रोडक्ट करके जो आएगा वो आपका एलसीएम हो गया और ये आपका एचसीएफ हो गया। तो बाकी ये आप इसी तरह से यू कैन सॉल्व द एचसीएफ और 510 एंड 92, 336 एंड 54। नथिंग वेरी डिफिकल्ट, क्वेश्चंस ऑफ दिस टाइप हैव बीन ऑलरेडी एक्सप्लेन, सो आई एम स्किपिंग इट्स सेकंड एंड थर्ड पार्ट। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 3, इफ यू टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 3, इट सेज फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। 1 इज द नंबर 12, सेकेंड नंबर इज 15 एंड अदर इज 21। यदि आपसे पूछा जाए 12, 15 और 21 का एचसीएफ भी बताओ और एलसीएम भी बताओ, तो 12 को लिखेंगे 2 × 2 × 3, 2 × 4 = 12, 2 × 4 = 3 = 12, एंड दिस इज 3 × 5 = 15, एंड इट इज 3 × 7। इफ यू टॉक अबाउट एचसीएफ, तो एचसीएफ तो मोस्ट कॉमन नंबर 333, ये तो एचसीएफ आ गया इसका। इफ यू टॉक अबाउट एलसीएम ऑफ दिस, एलसीएम मींस अब ऐसे नंबर्स ले लो जो कॉमन नहीं है, तो 3 तो आपका कॉमन में आ ही गया, ये 2 यहां है और कहीं नहीं है, लेना पड़ेगा, ये 2 यहां है एक बार और लेना पड़ेगा, ये 5 सिर्फ यहां है और कहीं नहीं है, और इनटू 7,
तो ये आपका हो गया 5 दूनी 10 दूनी 20 थी, 60 गुणा 7 720, 5 टू या 10, 10 टू या 12, 12 थ्री या 36, 360 इंटू 7, दिस इज कमिंग आउट टू बी योर आंसर। 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 थी या 60 इंटू 7, ओके। तो ये आपका एचसीएफ हो गया, ये आपका एलसीएम हो गया। इसी तरह इसमें दो पार्ट और हैं, वो आप कर सकते हैं। सिमिलरली आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 पे मैं आ जाता हूं इस एक्सरसाइज 1.2 के। आसान एक्सरसाइज है, नॉट वेरी लेंथी। क्वेश्चन नंबर फोर कहता है गिवन दैट, इन्होंने कहा है हमसे कि एचसीएफ ऑफ 306 एंड अनदर नंबर इज 657, इनका जो एचसीएफ है वो हमें दिया हुआ है कितना है जी 9। फाइंड देयर एलसीएम, तो आपको पता है एलसीएम निकालने का तो प्रोसेस क्या है, फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर अपॉन एचसीएफ। आगे आंसर एक मिनट के अंदर, फर्स्ट नंबर 306, सेकंड नंबर 657, एचसीएफ 9। सिंप्लीफाई एंड गेट द आंसर ऑफ एलसीएम। और अगर आपसे एचसीएफ पूछा जाएगा तो एचसीएफ में क्या करेंगे आप, फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर अपॉन एलसीएम। इसी तरह से फर्स्ट नंबर पूछा जाए कभी तो एलसीएम इंटू एचसीएफ अपॉन सेकंड नंबर, और कभी सेकंड नंबर पूछा जाए सेकंड नंबर इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ अपॉन फर्स्ट नंबर, और कभी वेरीफाई करने के लिए किया जाए तो है ही रूल आपका एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर। तो दिस वे माय क्वेश्चन नंबर 4 इज ओवर। नाउ आई एम कमिंग टू एक्सप्लेन यू हाउ वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 की देखिएगा सेम पेज पे है, मैं यहां चेंज कर लेता हूं। इट इज सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 5 एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.2 क्लास 10th रियल नंबर्स। चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद डिजिट 0 और नॉट। देखो एक एग्जांपल कराया था, उसमें 4 की पावर n था, इसमें 6 की पावर n, इसे लिख सकता हूं मैं 2 * 3 की पावर n। 2 * 3 की पावर n, इसको लिख सकता हूं मैं 2 * 3 एक बार, 2 * 3 दो बार, 2 * 3 तीन बार, एंड 2 * 3 हाउ मेनी टाइम्स, n टाइम्स। तो ये बड़ा सिंपल हो गया कि ये बताना है कि क्या इस लंबे प्रोडक्ट में लास्ट में 0 आएगा या नहीं, यस और नो ये बताना है। तो मैं इससे पहले एक थ्योरी बताई थी कि किसी भी नंबर में अगर एंड डिजिट 0 तब आ सकती है जब उसके प्राइम फैक्टर्स में कम से कम 1, 2 और 1, 5 दोनों हो। यहां पे इसके जो प्राइम फैक्टर्स हैं इसमें सिर्फ 2 तो है, 5 एक बार भी नहीं है, तो इसका मतलब इसमें जो एंड होगा एक्सपेंशन का वो कभी भी 0 से नहीं हो सकता, क्योंकि 6 के प्राइम फैक्टर्स में 2 आ रहा है और 3 आ रहा है, 5 नहीं आ रहा। और किसी भी नंबर की लास्ट डिजिट 5 होने के लिए ये जरूरी है कि उसके अंदर प्राइम फैक्टर्स में 1, 2 और 1, 5 जरूर होना चाहिए। चलो वैसे भी बता दूं कि 6 की पावर 1 6, 6 की पावर 2 36 तो लास्ट में 6, 6 की पावर 3 216 तो लास्ट में 6, 6 की पावर 4 तो 1296 तो लास्ट में क्या आ जाएगा आपका 6। तो 6 की पावर चाहे कुछ भी हो जाए एंड डिजिट सिर्फ 6 आएगा, इसके अलावा कोई डिजिट कभी नहीं आएगा। ऐसे ही किसी के लास्ट में अगर 5 हो और कितनी भी पावर हो तो लास्ट डिजिट 5 ही आएगा चाहे कुछ भी हो जाए। अगर किसी की लास्ट डिजिट 0 हो और कितनी भी पावर हो तो लास्ट में 0 ही आएगा। तो आप कभी बैठ के ऐसे कर लेना, ट्राई कर लेना कि अगर किसी की लास्ट डिजिट 1 है तो कितनी भी पावर लगा तो लास्ट में 1 ही आएगा, किसी की लास्ट डिजिट 2 है तो क्या क्या आ सकता है। देखो 2 की पावर 1 तो 2 होता है, 2 की पावर 2 लास्ट में 4 आ सकता है, 2 की पावर 3 लास्ट में 8 आ सकता है, और 2 की पावर 4 लास्ट में 6 आ सकता है। तो 4 तक ही रुक जाइए आप, 4 के बाद रिपीटेशन होना शुरू हो जाएगा जी। देख लो 2 की पावर 5 लगाओ 32 होता है, लास्ट में क्या गया 2, 2 की पावर 6 लगाओ तो लास्ट में 4 आएगा, 2 की पावर 7 लगाओ लास्ट में 8 आएगा, 2 की पावर 8 लगाओ लास्ट में 6 आएगा। 4 तक ही निकाल के देख लो क्या क्या पॉसिबल डिजिट हो सकती है किसी भी नंबर के एक्सपेंशन में, उसकी यूनिट्स डिजिट को इस तरह से एक्सपेंड करके देख लो तो आपको पता लग जाएगा। वैसे आपको जनरली 0 वाला पूछा जाता है, और 0 की खासियत यह है कि उसमें 1, 2 और 1, 5 होना जरूरी है, इसलिए यहां कंक्लूड कर सकते हो कि इसकी पावर एंड कभी भी इस पे एंड नहीं हो सकता 0 पे। तो ये आपका सेकंड लास्ट क्वेश्चन था। नाउ आई एम कमिंग, सॉरी इट वाज
नॉट सेकंड लास्ट, मैं आपको अगला सवाल लेके बता रहा हूं, उसके बाद फिर जो है आपका लास्ट क्वेश्चन आएगा। ये है एक्सप्लेन वाई 7 × 11 × 13 + 13, प्रूव करो कि ये कंपोजिट क्यों है। और इसी तरह से दूसरा क्या है, 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5, प्रूव करो ये भी कंपोजिट है और ये भी कंपोजिट है। प्राइम और कंपोजिट में पहले ही बता दिया है आपको इसी आज ही के दिन में कि प्राइम नंबर वो होता है जो 1 और इटसेल्फ के अलावा से डिवाइड ना हो अदर देन दीज टू, और कंपोजिट वो होता है जो 1 और इटसेल्फ के अलावा किसी और नंबर से डिवाइड जरूर हो। दो के बारे में आपको पता है, 2 इज ओनली इवन नंबर विच इज प्राइम ऑल्सो, सिर्फ जो 2 काउंट है, जो 2 है वो इवन भी है और प्राइम है, लेकिन इसके अलावा कोई भी नंबर आपका क्या है जी, इवन हो सकता है, प्राइम नहीं होगा। सिर्फ अकेला 2 ऐसा है जो इवन भी है और प्राइम भी है। 1 को आपको पता है ना, हम क्या लेते हैं कंपोजिट और ना हम प्राइम लेते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि इसकी बात करते हैं, 7 × 11 × 13 + 13, यहां क्या मान लेंगे, इंटू 1, और इसमें से मैंने 13 को हाईजेक कर लिया, 13 को हाईजेक किया तो यहां से क्या रहेगा भाई, 7 × 11, और यहां से +13 चला गया, इसका भाई क्या रहेगा यहां पे 1, ये हो गया 13 × 77 + 1, तो आप इसे क्या कह सकते हो 13 × 78। लो जी 13 × 78 को क्या रख सकते हो आप, 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा बताओ, 39, और 39 को 3 × 13, तो इसका मतलब ये जो है 7 × 11 × 13 + 13 × 1, 7 × 11 × 13 + 13, रिजल्ट्स यू 13 × 2 × 3 × 13, क्लियरली इट इज व्हाट, कंपोजिट, क्योंकि ये 13 से भी डिवाइड हो रहा है, ये 2 से भी डिवाइड हो रहा है, ये 3 से भी डिवाइड हो रहा है, ये 6 से भी डिवाइड हो रहा है, ये 39 से भी डिवाइड हो रहा है, ये 26 से भी डिवाइड हो रहा है, और भी नंबर्स होंगे 169 से डिवाइड हो रहा है, तो बहुत सारे नंबरों से अगर ये डिवाइड हो रहा है तो ये कंपोजिट होगा, ये प्राइम नहीं होगा। इसी तरह से आप यहां पे 5 को हाईजेक कर लेंगे और पहले 5 में इंटू 1 कर लेंगे, 1 करने के बाद में आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये भी दो प्राइम नंबरों के प्रोडक्ट से ज्यादा या उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसी पैटर्न पे आप कह देंगे कि दिस एक्सपेंशन दिस रिजल्ट इज ऑल्सो कंपोजिट। नाउ आई एम कमिंग टू वाइंड अप द एक्सरसाइज 1.2 ऑफ NCERT क्लास 10th रियल नंबर्स। देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड, सोनिया 18 मिनट लगाती है इस पार्क के चक्कर लगाने में, और उसके बाद रवि 12 मिनट लगाता है, और इसके बाद सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट, मानो दोनों ने, रवि ने और सोनिया ने यहां से चलना शुरू किया, तो रवि तो 12 मिनट में यहां पे आ जाएगा और सोनिया यहां 18 मिनट में आएगी, तो तब तक रवि आगे यहां तक आ चुका होगा, तो इसका मतलब ये कह रहे हैं कि दोबारा ये वापस कब मिलेंगे, तो यानी कि टाइम 12 और 18 दोनों से ज्यादा ही होगा। जब टाइम 12 और 18 से ज्यादा, और ज्यादा कब आता है एलसीएम लेके और कम कब आता है एचसीएफ लेके, तो आपको एलसीएम निकालना है किसका, 12 एंड 18 का, तो 12 को आप लिखेंगे 2 × 2 × 3 एंड 18 विल बी रिटर्न एज 2 × 3 × 3, तो आप देखिए जी एचसीएफ क्या आ गया इसका, ये सॉरी एलसीएम निकालना है, वेरी सॉरी, एलसीएम के लिए पहले कॉमन ये 2, फिर ये कॉमन 3, फिर ये नॉन कॉमन 2, फिर ये 3, तो ये क्या आ गया आपका 3 2 बार और 2 बार, ये आ गया 36, तो इसका मतलब दे विल मीट अगेन आफ्टर 36 मिनट ऑफ स्टार्टिंग। तो इसके बहुत सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस मैं आपको आगे कराऊंगा जब मेरा एनसीईआरटी का चैप्टर खत्म हो जाएगा, उसके बाद कुछ प्रैक्टिस के लिए वर्कशीट आपको जब देंगे। तो यहां पे वो 18 में एक चक्कर लगाएगा सोनिया लगाएगी, फिर 18 में एक और, तो 36 मिनट में सोनिया 2 चक्कर लगा चुकी होगी, और रवि 36 मिनट में यहां पर 12 × 2 = 24 और 12 × 36, तो रवि के 3 होंगे और सोनिया के 2 होंगे, तो ये 36 मिनट के बाद में दोबारा से वापस ही आ जाएंगे। तो ये आपकी एक्सरसाइज 1.2 हो गई। अब इसके बाद में आपको रिविजिटिंग इरेशनल नंबर्स और इरेशनलिटी के साथ डिवीजन वाला, ये दोनों यानी एक्सरसाइज 1.3 एंड 1.4 मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको कोशिश करूंगा आपके पास पहुंचे। एंड प्लीज ट्राई टू सर्कुलेट अमंग योर फ्रेंड्स, क्योंकि आज के खाली टाइम में बैठे टाइम में
जो पूरी परेशानी का समय है उसमें मैं थोड़ी कोशिश कर रहा हूं, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ज्यादा से ज्यादा इसमें फायदा होना चाहिए, और पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स आपस में एक दूसरे को कोऑपरेट करके चलेंगे। दिस इज माय लिटिल बिट इनिशिएटिव इन दिस टफ टाइम। थैंक यू वेरी मच एंड प्लीज कीप डूइंग द क्वेश्चंस। जितने क्वेश्चन आप यहां देख रहे हो, सुन रहे हो, इनको आप क्लोज करने के बाद एक्सरसाइज के क्वेश्चंस और एग्जांपल्स भी आप दोबारा से करेंगे, तो यू विल रियली रियली गेट कि हमें इसका कोई फायदा हुआ, क्योंकि मैथमेटिक्स प्रैक्टिस के बिना बड़ा वाला जीरो है। मैं ये नहीं कह रहा एक जीरो है, दो जीरो है, दस जीरो है, इनफाइनाइट जीरो है। इफ यू आर नॉट प्रैक्टिसिंग यू आर बिग जीरो, डोंट ब्लेम एनीवन। थैंक यू।